तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं DML वापस से। तो यार DML के अंदर यानी कि ड्रैगन मानिया लेजेंड्स के अंदर आज हम लोग वापस से एक और नए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रैगन को हैच करने वाले हैं। गाइस उस ड्रैगन का नाम है ब्रोमेलिया ड्रैगन और एक वो एपिक ड्रैगन है। और भाई साहब उसके स्टैट्स के बारे में बात की जाए, पावरफुल होने का ये रीजन है क्योंकि भाई साहब उसका अटैक लेवल जो है वो 69 है, मतलब सोच लो लेजेंडरी के बराबर ही है। तो भाई साहब और 3 अटैक का फर्क है बस, वरना लेजेंडरी के बराबर होता। बाकी इसके एलिमेंट्स अभी आप लोग हैचिंग टाइम पे देख लोगे। बाकी इसके हेल्थ लेवल की बात की जाए 200 है, तो भाई साहब मैं बोल दूं ये बहुत ज्यादा कमाल का अटैकर होने वाला है। बाकी इसके एलिमेंट्स तो देखो यार ब्रोमेलिया ड्रैगन के, भाई साहब प्लांट, विंड और शैडो। भाई साहब दो एलिमेंट्स इसके पास बहुत ज्यादा धासु, बहुत ज्यादा खतरनाक है। मतलब गेम वालों ने भी इसे बहुत ज्यादा कमाल का एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन दे रखा है। तो यार इसका अटैक लेवल के हिसाब से भी इसके पास एलिमेंट्स भी उसी हिसाब से दिए गए हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया एलिमेंट्स कॉम्बिनेशन इसे दिया गया है। चलो यार यहाँ पे आप लोग मैं आप लोगों को स्टैट्स दिखा देता हूँ उसके। 69 डैमेज लेवल, अटैक लेवल और 200 हेल्थ लेवल। और हेल्थ लेवल से बिल्कुल भी इसे जज मत करना। और इसके तीनों के तीनों एलिमेंट ही भाई साहब अटैकर के हैं। तो भाई साहब ऑब्वियसली एक अटैकर है, बहुत ज़्यादा कमाल का तगड़ा अटैकर है। तो भाई साहब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब इस ड्रैगन को यूज़ करें ना करें, वो आप पर डिपेंड करता है। इसके स्टैट्स वगैरह सब कुछ देख लो। तो यूज़ करते हो, करना चाहते हो और करने की सोच रहे हो, तो भाई साहब उसके लिए बेस्ट स्किल कॉम्बिनेशन कौन सा रहने वाला है वो भी मैं भाई साहब बैटल करते टाइम बताऊंगा। तो वीडियो में यार बने रहना तुम्हारे भाई के साथ, क्योंकि यार बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आगे जाके बोलने वाला हूँ, जैसे कि बेस्ट स्किल कॉम्बिनेशन जिससे कि ये ड्रैगन अच्छे से परफॉर्म करेगा। चलो यार यहाँ पे गोल्ड वोल्ड से थोड़ा सा गोल्ड ले लिया, अब यहाँ पे थोड़ा सा एरिना खेल लेते हैं। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं लेजेंडरी लीग में पहुँच गया था ना भाई, वहाँ से सीधा मेरा डिमोशन हो गया, मतलब मेरी रैंक कम हो गई, मैं सीधा आ गया लीग ऑफ लाइट में। पूछो क्यों भाई साहब, उधर तो मतलब देखो उस लेजेंडरी लीग में ना 120-130 लेवल, 140 लेवल, इतने लेवल के बंदे जाते हैं, लेकिन मैं तो भाई साहब 108 लेवल में ही चला गया। और भाई साहब सामने वाले ड्रैगन भाई साहब 100-90-80 भी नहीं आते थे, 90 के ऊपर 100-120 इतने लेवल के आते थे, सभी के सभी रेड स्टार। तो भाई साहब यार मेरे जितने लेवल के प्लेयर्स होते हैं उन्हें लीग ऑफ लाइट में ही रहना चाहिए, लेकिन मैं लीग ऑफ लाइट को पार कर कर भाई साहब लीग ऑफ शैडो में भी आराम से खेल सकता हूँ, जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोगों को खेल कर दिखाया है। मैं तो लेजेंड लीग ऑफ शैडो को भी पार कर कर भाई लीग ऑफ लेजेंडरी में चला गया, लेजेंडरी लीग पर। लेकिन लेजेंडरी लीग पर और मुझे नहीं जाना है भाई, अगर गया तो वापस से मेरा रैंक कम हो जाएगा। और ये जो रैंक कम हुआ ना, उल्टा मेरे लिए अच्छा हुआ है, क्योंकि भाई मैं आराम से भाई साहब खेल सकता हूँ एरिना। तब तो भाई साहब दिन में शायद एक ही मैच फाइट में जीत पा रहा था, क्योंकि इतने लेवल के आते हैं और जो भी प्लेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेवल के होते हैं। तो यार यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग शील्ड कर लेते हैं बैटल टाइम। यहाँ पे भाई साहब ये जो पहला वाला ड्रैगन है ये बहुत ज़्यादा मतलब गंदा मार रहा है भाई साहब। ये जो विंड वाला एलिमेंट है ना बहुत ज़्यादा एनोइंग है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मतलब अटैक लेवल को कम कर देता है, लेकिन उतना भी काम का नहीं है। बाकी हार्पी से हमने इसे मार दिया है। और भाई साहब यहाँ पे देखा इसके पास ना एपिक टर्टल था भाई, पहली बार देखा कि एक बंदा एपिक टर्टल भी यूज़ कर रहा है टर्टल सिगल को। देखो भाई टर्टल सिगल तो लोग यूज़ करते हैं, थोड़े बहुत यूज़ करते हैं कुछ परसेंटेज लोग ड्रैगन मनी लेजेंड में, कुछ बंदों को पसंद भी है, लेकिन भाई साहब एपिक भाई पक्का ये इस बंदे ने ना जेम्स खरीदा होगा एकदम भाई साहब, प्रीमियम सिगिल चेस्ट की ओपनिंग करी होगी। तो यार यहाँ पे इस वाले फाइट में सामने वाले को मिडिल वाले को मार देते हैं 5 बिलियन का डैमेज। वैसे 5 बिलियन का डैमेज इसलिए पड़ रहा है बिकॉज गाइस देखो भाई मेरा लैम्बुलिन हमेशा 8 बिलियन या फिर 7 बिलियन के ऊपर देता है, क्यों यहाँ पे भाई साहब उसने 6 बिलियन भी नहीं दिया, क्योंकि भाई साहब विंड हो गया था तो अटैक लेवल कम हो जाता है भाई। विंड क्या करता है, सामने वाले अटैक लेवल को कम कर देता है, जिससे कि कम डैमेज पड़ता है। तो भाई साहब यही है डिसएडवांटेज विंड का। देखो भाई कितनी आराम से मैं खेल सकता हूँ और मेरे बराबर बंदे आ रहे हैं, देख रहे हो 70-70 के आ रहे हैं, कभी कभी 80 के भी आ जाते हैं बाय मिस्टेकनली, वरना भाई मेरे लेवल के प्लेयर्स आते हैं। और लीग ऑफ शैडो में मजाक नहीं कर रहा भाई साहब, 80 लेवल के भी आते हैं, बट तुम्हारा भाई साहब भाई आराम से खेल लेता है, क्योंकि मेरा टीम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हार्पी है जो कि भाई साहब जिस पर डिवाइन करने से एक्सेप्टांस के इफेक्ट की वजह से भाई साहब एक फायर में
तीनों को मार सकता है। मेरा लेमोलिन है जो कि एक शॉट में किसी को भी मार सकता है, और मेरा डिवाइन कोलियाडा है जो कि भाई साहब आराम इतना कमाल का सपोर्टर है। किसी ड्रैगन का हेल्थ कम हो गया, उसका हेल्थ एक ही बारे में फुल कर देगा क्योंकि उसके पास सिगिल कम्बिनेशन है इतना बढ़िया, एक्सेप्टेंस और वंडर। और भाई साहब सेल्फ डिवाइन कर सकता है, मेटल कर सकता है। अगर मेटल सामने, अगर सामने वाले ने मेरे किसी भी ड्रैगन को मारा भाई साहब उस पर, वो तो ख़त्म ही हो जाएगा सोच लो। तो यार यहाँ पे हाँ ये वाला फाइट भी जीत गए। 10,212 ट्रॉफीज हमारे पास अभी के लिए हो चुकी है। तो यार 10,600 मुझे और ट्रॉफीज चाहिए, मतलब सोच लो 400 ट्रॉफीज चाहिए मुझे लीग ऑफ शैडो में पहुंचने के लिए। वैसे मैं चाहता हूँ कि लीग ऑफ शैडो में पहुंच जाऊं, क्योंकि यार मेरे लेवल के जो बंदे हैं वो लीग ऑफ लाइट में रहते हैं, शैडो में नहीं जाते। मैं शैडो में जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसमें भी आराम से खेल लेता हूँ, जितना भी सामने वाले जितना भी लेवल का हो। बट लीग ऑफ लेजेंडरी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो यार यहाँ पे एक शॉट में लेमोलिन ने दोनों को मार दिया था। लेमोलिन ओ भाई 11 बिलियन का डैमेज पहली बार भाई, नहीं मेरा कोलियाडा डुनगियन में भाई 20 बिलियन नहीं भाई 30-40 बिलियन का भी डैमेज दे देता है बहुत बार, मतलब हर बार ही दे देता है, वो भी मेटल अटैक से। तो यार यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बैटल खेल लेते हैं अपने ब्रोमेलिया ड्रैगन के साथ। तो यार यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टीम सिलेक्शन करने वाले हैं। हाँ हमने तो उसे ट्रेनिंग आई थी करवा दिया था, हाँ मैंने तो उसे ट्रेनिंग करवा दिया। हाँ तो यार चलो यार यहाँ पे फटाफट से टीम सेलेक्ट करते हैं कौन से ड्रैगन को टीम में लेना है। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं भाई ब्रोमेलिया ड्रैगन जो कि नंबर 1 पर होगा। कहाँ गया ब्रोमेलिया ड्रैगन, दिख नहीं रहा है मुझे। ये रहा ब्रोमेलिया ड्रैगन, इसका नाम भाई पट्टी क्यों हो गया, ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम ड्रैगन मैंने लेजेंड्स की तरफ से आते हैं। वैसे भाई साहब अपने ड्रैगन का कुछ नाम भी रख सकते हैं, लेकिन भाई आज तक सच्ची में बता रहा हूँ भाई मैंने किसी भी ड्रैगन का नाम नहीं रखा। बस जो ड्रैगन का नाम होता है, ये नहीं कि भाई वो जो वो वाला नाम नहीं, निकनेम नहीं बोल रहा हूँ, जो ड्रैगन का नाम होता है प्रोफेशनल नेम जिसे बोलते हैं वही मैं रखता हूँ और वही मैं उसे बोलता हूँ। तो यार यहाँ पे भाई साहब इसका एवरेज डैमेज देखने जा रहे हैं हम लोग अभी, एवरेज डैमेज और हाइस्ट डैमेज। तो यार यहाँ पे सबसे पहले इस स्टॉर्म ड्रैगन को मारते हैं। ओके गाइस यहाँ पे शैडो मारेंगे, नहीं प्लांट मारेंगे। ओ भाई साहब 10.2K का डैमेज दे रहा है भाई साहब, देख रहे हो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रैगन है भाई, 10.2K का इसका ऐसा हाइस्ट डैमेज है, वो भी सामने वाले पर एलिमेंट भारी भी नहीं पड़ रहा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा कमाल का ड्रैगन है। बाकी इसके बेस्ट एलिमेंट की बात की जाए यार, इसके पास 3 एलिमेंट है, विंड शैडो और प्लांट। 2 एलिमेंट इसके बहुत ज़्यादा कमाल के हैं इसके स्टैट्स के हिसाब से, क्योंकि ये एक अटैकर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रैगन है। तो भाई साहब मैं सजेस्ट करूँगा कि यार प्लांट ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यार प्लांट देखो क्या करता है, उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो शैडो से ज़्यादा बेटर है। शैडो का भी बहुत अच्छा है, वो भी सामने वाले को डैमेज करता है अच्छे से, लेकिन एक है भाई पॉइजन, उससे ज़्यादा डैमेज करता है। तो भाई साहब प्लांट इसका बेस्ट एलिमेंट होगा। और भाई साहब अभी आपने देखा भाई साहब इसने 15.4K का डैमेज दिया भाई, भाई साहब इसका अटैक लेवल मतलब सीमा पार कर गया, एक्सट्रीम लेवल पर है भाई साहब। जितना इसका स्टैट्स है ना उसके हिसाब से ये और थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज दे रहा है। तो भाई साहब मेरे हिसाब से ये ड्रैगन बहुत ज़्यादा कमाल का होगा मेरी ओपिनियन से। बाकी आप लोगों की ओपिनियन क्या है कमेंट करके ज़रूर से बताना, ताकि दूसरे भाइयों को भी पता चले। तो यार इसके बेस्ट सिगिल कॉम्बिनेशन की बात की जाए यार, बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे इसका बेस्ट सिगिल कॉम्बिनेशन। तो भाई साहब एज अ ये एक अटैकर है, तो भाई साहब प्योरिटी बिल्कुल भी भूल कर मत देना, क्योंकि भाई साहब इसका जो हेल्थ लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम है। जब इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मुझे पता है हेल्थ बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी इसका हेल्थ तब कम माना जाएगा, तो भाई साहब प्योरिटी का इस पर उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग भाई साहब ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हो क्रुएल्टी, जिससे कि इसका जो क्रिटिकल डैमेज, क्रिटिकल हिट रेट होता है, जिससे कि क्रिटिकल हिट लगने का, क्रिटिकल शॉट लगने का जो चांसेस होता है वो बढ़ जाता है। आप सभी को पता ही होगा, बोलने की ज़रूरत नहीं क्रुएल्टी की खासियत। क्रुएल्टी के साथ आप लोगों के पास यार दो ऑप्शन है, आप लोग तीन ऑप्शन है आप लोग यूज़ कर सकते हो। बर्सरकर, जिससे कि आपके ड्रैगन का अगर एचपी कम हो जाए वो बहुत ज़्यादा तगड़ा डैमेज देगा, बहुत ज़्यादा डैमेज देगा।
डेयर डेविल यूज़ कर सकते हो, आपके ड्रैगन का थोड़ा सा हेल्थ परसेंटेज जाएगा जिससे कि वो सामने वाले को बहुत जोर का डैमेज देगा। और एक यूज़ कर सकते हो भाई साहब विच क्राफ्ट, जो कि भाई साहब नेगेटिव इफेक्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना देगा, जैसे कि एग्जाम्पल प्लांट के जो पॉइजन है उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। बाकी वो आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हो, उसके हिसाब से आप अपने खुद पर भाई खुद के लिए भाई सिगिल कॉम्बिनेशन बता सकते हो, बट बेस्ट सिगिल कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से यही रहेगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो पसंद आई हो जरूर से लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना ऐसे वीडियोज़ हर रोज़ देखने के लिए, इसलिए कि इस हर रोज़ ऐसी वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।